नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल के आई कि नवरात्रि में मिल सकता है केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, वेतन में 8,000 रुपये की होगी बढ़ोतरी। तो दोस्तों, कर्मचारियों के वेतन में 8,000 रुपये की बढ़ोतरी क्यों होगी, इतनी बड़ी खुशखबरी कर्मचारियों को कैसे मिलने जा रही है, उसके बारे में हम आपको सब डिटेल में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज़ आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच सके। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ ही केंद्र सरकार कर्मचारी का फिटमेंट फैक्टर भी बढ़ा सकती है। आने वाला त्योहारिक सीजन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी लेकर आने वाला है। उम्मीद है कि नवरात्रि के दौरान केंद्र सरकार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। तो सरकारी कर्मचारी को डीए के साथ एक और बड़ा तोहफा मिल सकता है। दोस्तों, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ ही केंद्र सरकार कर्मचारी का फिटमेंट फैक्टर भी बढ़ा सकती है। फिटमेंट फैक्टर बढ़ने के बाद कर्मचारी के न्यूनतम मूल वेतन में इजाफा होगा। सरकारी कर्मचारी की लंबे समय से मांग थी कि उनके फिटमेंट फैक्टर को 2.57% से बढ़ाकर 3.68 कर दिया जाए। अगर इसे बढ़ा दिया जाता है तो उनकी न्यूनतम मूल वेतन में 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगा और 8,000 की बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट में चल रही खबरों के मुताबिक दिवाली या दशहरे से पहले केंद्रीय कर्मचारी के फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी को लेकर फैसला हो सकता है। सभी कर्मचारी का मूल वेतन फिटमेंट फैक्टर से ही तय होता है। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से डीए बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस नवरात्रि में सरकार डीए में 4% तक की बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। अगर इस साल की बात करें तो कर्मचारी के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। 28 सितंबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी मिल सकती है। इसके बाद बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता जुलाई 2022 से लागू होगा। इसके अलावा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी AICPI के आंकड़ों से स्पष्ट है कि न केवल इस साल बल्कि अगले साल जनवरी में भी केंद्रीय कर्मचारी के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।